नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। झाड़ियों में छिपकर डकैती की योजना बनाते 5 अभियुक्त चढ़े पुलिस के हत्थे। डाकुओं ने कई वारदातों को किया कबूल। कम वोट देने वाली हेला गवाड़ी ने उपमहापौर का किया आतिशी स्वागत। अभिभूत होकर सिंह भी बोले, विकास से अछूता नहीं रहेगा यह क्षेत्र। बैरीगेट चौराहे को बचाने के लिए आगे आए शहर के चिंतक। शहरी सरकार को जल्द ही निस्तारण की लगाई गुहार। और स्मार्ट सिटी के काम में देरी से अश्विनी बाजार के व्यापारियों का फूटा गुस्सा। जाम लगाकर किया प्रदर्शन, जिम्मेदारों ने बमुश्किल की समझाइश। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं झाड़ियों में छिपे डाकुओं को पकड़ने की। शहर में बढ़ते अपराध की रोकथाम के लिए जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अब अलग अलग थानों को भी टास्क दिए जा रहे हैं। ऐसे में गुरुवार को सवीना थाना पुलिस ने एक कार्रवाई को अंजाम दिया और डकैती की योजना बनाते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों से एक देशी पिस्टल, एक कारतूस, एक तलवार के साथ चाकू और मिर्ची के पाउडर भी प्राप्त किए हैं। पुलिस की कार्रवाई के बाद सामने आया कि शहर में हो रही चैन स्नेचिंग और लूट की वारदात को भी अधिकतर यही गैंग अंजाम देती थी। जिला पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता में बताया कि इन 5 आरोपियों में पैरोल से फरार हत्या के आरोपी और लूट के 3 मामलों में 2000 रुपए का इनामी बदमाश भी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। पुलिस का मानना है कि इनसे पूछताछ के बाद और भी कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। पकड़े गए आरोपियों में ऋषभदेव का प्रहलाद, रिंकू उर्फ बाटिया, सतीश नाई, करण सिंह उर्फ कालू और मुकेश सालवी शामिल है। उदयपुर शहर के अंदर पिछले करीब 9वें और 10वें महीने में कुछ करीब 8 से 9 चेन स्नैचिंग की वारदातें हुई थी। उसी टाइम से हमारे एडिशनल SP सिटी गोपाल जी के निर्देशन में एक टीम काम कर रही थी, जिनमें अभियुक्तों को आइडेंटिफाई करके 5 मेन अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया सवीना थाना क्षेत्र में। कल रात को इकट्ठे 5 डकैती की योजना बना रहे थे। उस योजना बनाते के दौरान में ही पुलिस ने आसूचना संकलित कर इनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें मेन जो है वो प्रहलाद मीना है, जो बिलख ऋषभदेव का निवासी है, जो पहले से अपने एक 302 के केस में सजायाफ्ता मुलजिम है। और सूरज पोल थाना क्षेत्र पे ये अपने पेरोल से फरार होने के केस में वांटेड भी चल रहा था। ना केवल सूरज पोल में, वो गोल्डन ग्लास में पुराने डकैती के केस में ही वांटेड था। फिर इसके 4 अन्य साथी, उनमें एक 2000 का इनामी अपराधी मुकेश सालवी भी है, जो अंबा माता क्षेत्र में करीब अपने 9वें महीने के अंदर एक ही दिन में 3 लूट की वारदात की थी। उसमें 2000 का इसका इनाम भी था। एक साथी इसका पूर्व में पकड़ा जा चुका था, उन केसेस में ये भी वांटेड चल रहा था। फिर इनका एक साथी है रिंकू उर्फ बांटिया करके, इसके विरुद्ध भी शहर के विभिन्न थानों पर अपनी गिरफ्तारी वारंट्स चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इन 5 अभियुक्तों में 9 तो अपने चेन स्नेचिंग की वारदात है, जो सवीना, प्रतापनगर और हिरणमगरी में 9वें और 10वें महीने में इन्होंने वारदात को अंजाम दिया था, वो केसेस हैं। इसके अलावा इनके 4 अभी तक इन्होंने वाहन चोरी के केसेस में भी इन लोगों का प्राइमरी रोल सामने आया। तो करीब 14 तो केसेस में ये डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन में वांटेड थे। इसके अलावा अन्य केसेस में भी अनुसंधान किया जाएगा। रिकवरी पुलिस ने कुछ की है और अभी कुछ जहर अनुसंधान है, तो अब इनको अरेस्ट करके वो प्रॉपर अपने प्रोसीजर होता है उसके तहत की जाएगी। बिल्कुल, इन्होंने बताया कि इन्होंने माल कांड डिस्पोज ऑफ किया था, उन व्यक्तियों तक भी पुलिस पहुंच रही है, उनसे अनुसंधान करके रिकवरी भी करेंगे और अरेस्ट भी होंगे इसमें। शहर के उपमहापौर पारस सिंह ने अपने ही वार्ड 51 का बुधवार शाम को दौरा किया। दौरे के मुख्य उद्देश्य वार्ड की समस्या सुनना एवं वार्ड में रहने वाले लोगों से बात करना एवं उनकी समस्याओं का समाधान करना था। जब पारस सिंह भी वार्ड 51 में पहुंचे तो वहां पर रहने वाले हेला समाज द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके स्वागत में पटाखे फोड़े गए, फूल बरसाए गए। फूलों के साथ साथ हाथों द्वारा निर्मित एक तोप द्वारा भी श्री सिंघवी का स्वागत किया गया। इस पर पारस सिंघवी ने बताया कि भले ही हमें यहाँ से वोट मिले या ना मिले, या किसी ने हमको वोट दिया ना दिया हो, लेकिन हम सबको साथ लेकर विकास की ओर चलेंगे। आज यहाँ पर हेला समाज के सभी बुजुर्गों ने, युवाओं ने मेरा यहाँ पर जीतने के पश्चात स्वागत किया। इनके दिल में बहुत अरमान था कि हमारा कोई पार्षद अच्छा बने, जो हमारी कौम के लिए उद्धार करे। मैंने भी इनको ये समझाया कि मैं चुनाव जीत चुका हूँ,
मेरी पार्टी ने मुझे उपमहापौर बना दिया है। अब मैं आपकी कौम के लिए कुछ करना चाहता हूँ। जिसने वोट दिया वो भी मेरा, जिसने वोट नहीं दिया वो भी मेरा। अब ये दुर्भावना मैं नहीं रखकर आपकी कौम के लिए, आपकी समाज के लिए, आपके मोहल्ले के लिए हम सब मिलकर इस समाज को उद्धार करने का प्रयास करेंगे। यही मेरी भावना थी और यही पर समाज के सब लोगों के सामने मैंने यही कहने का प्रयास किया कि छोटी मोटी बातें भूलकर, इधर उधर की बातें न करकर अपनी कौम और अपने समाज को ऊपर उठाने का काम करो। यही मैंने यहाँ पर इनको कहा है। ये करेंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं करेंगे तो इनको समझा कर कराने का प्रयास करूंगा। यही मेरी भावना थी। रायपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर हो रहे कार्यों से लोगों को हो रही परेशानी के चलते गुरुवार को अश्विनी बाजार में व्यापारियों ने दुकानें बंद कर अपना विरोध दर्ज कराया। दरअसल अश्विनी बाजार से करीब 2 किलोमीटर दूर कार्य चलने के बाद भी निर्माण कार्य में जो मटेरियल काम आता है उसे अश्विनी बाजार में खाली कर दिया जाता है, जिससे व्यापारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर राहगीरों को चलने में भी भारी परेशानी आ रही है। ऐसे में व्यापारियों ने दुकानें बंद कर अपना विरोध जताते हुए रोड जाम कर दिया। हालांकि मुख्य मार्ग होने की वजह से पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई और व्यापारी के साथ समझाइश कर बमुश्किल रोड को खुलवाया। व्यापारियों की माने तो अश्विनी बाजार में पिछले करीब 6 माह से मटेरियल को खाली किया जा रहा है, जिससे व्यापारियों का व्यापार तो चौपट हो ही गया है। वहीं दूसरी ओर आम लोगों को भी निकलने में भारी परेशानी हो रही है। व्यापारियों के विरोध के बाद नगर निगम और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अधिकारी मौके पर पहुंचे और समय रहते मटेरियल को वहां से हटाने की बात कही। व्यापारियों ने कहा कि जहां पर निर्माण कार्य चल रहा है और उसके आसपास मटेरियल को खाली किया जाए तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही स्मार्ट सिटी कार्य को समय पर पूरा करें ताकि लोगों को राहत मिल सके। वहीं निगम के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने पूरे बाजार का दौरा किया और शनिवार तक इस समस्या का निराकरण का लिखित आश्वासन देकर गए। हमारी ये मांगे है कि हम अश्विनी बाजार व्यापार संघ की, हम सब व्यापारी संघ है, हमारी ये मांगे, गए 1.5 महीने 2 महीने से हमने कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है, महापौर साहब को भी दिया है, उप महापौर साहब को भी हमने ज्ञापन दिया है, जयन आयन सबको, हमारे जो व्यापार संघ अध्यक्ष है हमारे जयेश जी, उन्होंने 4 बार 5 बार अज्ञात भी करवाया है उनको ज्ञात, पर कोई भी हमारी सुनवाई नहीं होती है, न पुलिस प्रशासन हमारी सुनवाई सुनता है। हमारी दुकानों के बाहर से असामाजिक तत्व जो यहाँ से घूमते रहते हैं, कभी कोई जनरेटर उठा के ले जा रहा है, कभी कोई मोटरसाइकिल उठा के ले जा रहे हैं, और आज जो डंपिंग यार्ड बना दिया है अश्विनी बाजार को, इन्होंने गए 2 महीने से काम अश्विनी बाजार में नहीं हो रहा है, अश्विनी बाजार से और कई जगह काम हो रहा है, और अश्विनी बाजार व्यापार संघ के यहाँ पे पूरा अश्विनी बाजार में इन्होंने डंपिंग यार्ड कर दिया है। जो हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ से डंपिंग हट जावे, जो मिट्टी आ रही है हमारे व्यापारियों को राहत मिले, क्योंकि व्यापारियों को यहाँ दिन भर आना पड़ता है, ना हमारी गाड़ी हम पार्किंग कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, और ठेकेदार को हमने कुछ कहते हैं तो ठेकेदार हमारे से गाली गलौज करता है व्यापारियों से, तो ये कोई प्रशासन का तरीका नहीं है, और प्रशासन कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। उसके लिए आज हमने पूरा व्यापार अश्विनी बाजार पूरा बंद किया है। हम आपसे यही चाहते हैं कि प्रशासन हमारा सहयोग करे, यही आशा से हम यही चाहते हैं कि आपका जितना डंपिंग यार्ड है ये पूरा साफ हो गए अश्विनी बाजार में, जहां काम चल रहा है वहीं पे आप डंपिंग करें, हम उसमें आपको भी सहयोग देंगे। अगर हमारे अश्विनी बाजार में काम चलता है और अगर आप अश्विनी बाजार में डंपिंग करते हो तो हम उसमें सहयोग करेंगे आपको, पर आपका काम और कहीं चल रहा है और डंपिंग यार्ड अगर आपने अश्विनी बाजार को किया है तो वो हम व्यापारी नहीं चाहते हैं आपसे। अश्विनी बाजार व्यापार संघ की तरफ से ये जो सामने रोज स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, डंपिंग यार्ड बना रखा है इन्होंने, व्यापारियों को परेशान है, आम जनता है परेशान है। उदयपुर नगर निगम ने स्मार्ट सिटी का जो काम लिया है, मैं आपके इन चैनलों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जितना इन्होंने खोदा है उतना है तो उदयपुर को लूटा भी है इन्होंने। कोई भी बंदा इनका, कोई भी अधिकारी, कोई किसी तरह की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है।
क्षेत्रीय पार्षदों को ये कुछ भी नहीं बताते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं। इनकी मोनोपोली के हिसाब से जहां चाहते हैं वहां खोद देते हैं और आम नागरिक इनसे परेशान है। नगर निगम के कई अधिकारियों को मैंने आयुक्त को बताया है, महापौर जी को बताया है किस तरह से उदयपुर शहर का सत्यानाश ये स्मार्ट सिटी के माध्यम से कर रहे हैं। मैं उदयपुर शहर की बात नहीं करते हुए हमारे वार्ड की बात कर रहा हूँ। अश्विनी बाजार में पिछले 6-8 महीनों से लगातार काम चल रहा है और मेन रोड पर इन्होंने सामान खाली करने का ठेका ले लिया है। जैसे कि इनका घर का काम हो, जहां मर्जी आती है वहां भराव डाल देते हैं, जहां मर्जी आती है वहां गिट्टी डाल देते हैं, रेती डाल देते हैं। आम आदमी इनसे परेशान है और खास करके व्यापारी संघ तो बहुत ज्यादा ही परेशान है। आज ये बहुत ज्यादा परेशानी में इन्होंने ऐलान किया कि आज हम कुछ घंटों के लिए व्यापार बंद रखेंगे। मैं इन व्यापारियों के साथ हूँ और इन व्यापारियों की समस्या बिल्कुल सुलझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। कई अधिकारियों को मैंने फोन किया लेकिन वो अभी तक नहीं आए। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस हद से काम कर रहे हैं। नगर निगम का जो ये स्मार्ट सिटी का काम है पूरी तरह फेलियर है। इनका नया बोर्ड बना है, इनके महापौर उपमहापौर केवल टीवी पे आना, अखबारों में आना, ये इनका काम रहा है। ये क्षेत्र की जनता की परेशानी नहीं पूछ रहे हैं, जबकि इनका पहला काम प्रायोरिटी पे ही होना चाहिए कि आम जनता की क्या परेशानी है। लेकिन ये जनता की परेशानी को बढ़ावा दे रहे और अपना नाम रोशन करने में लगे, बीजेपी बोर्ड का नाम रोशन करने में लगे। इनको चाहिए कि रोड पे आए, काम करे जिससे जनता संतुष्ट हो और खासकर स्मार्ट सिटी वाले बिल्कुल इनको पाबंद करे कहाँ कैसे काम किया जाए, किसी को इनसे नुकसान तो नहीं हो रहा है। अगर कहीं नुकसान हो रहा है तो इनकी भरपाई करने की जिम्मेदारी भी स्मार्ट सिटी की होनी चाहिए। सर, आप एक पार्षद के प्रतिनिधि बन के यहाँ पर आए हैं, इनकी परेशानियों भी आप लोगों ने आपने सुनी है, कब तक इसका निस्तारण हो रहा है? मैं तो सर यहाँ मौके पर खड़ा हूँ, मैंने अधिकारी को बुलाया, मैं तो चाहता हूँ 2-4 घंटे में ये काम हो। लेकिन ये क्या है कि ये इनके जून ही रैंक थी, ये किसी को काम की इनकी किसी को फुर्सत नहीं है। ये आएंगे 5-10 मिनट बात करके और ऐसे ही आश्वासन देंगे। मैं इनको विश्वास दिला रहा हूँ, हम किसी तरह का आश्वासन नहीं मानेंगे जब तक ये इनके हिसाब से काम नहीं होता। मैं यहाँ खड़ा रहूंगा। ये मुख्य समस्या यहाँ की ये है कि पिछले 3-4 महीने से मार्केट में कोई काम नहीं चल रहा है। काम चल रहा है पीछे की गलियों में, जिसका ठेकेदार पूरा पैसा ले रहे हैं। यूं भी नहीं है कि गलियों का पैसा नहीं ले रहे, ये अपने पैसे बचाने के लिए यहाँ पर डंपिंग कर रहे हैं और इस डंपिंग से डस्ट भी आ रही है, हमारे को तकलीफ भी हो रही है और इसके आड़ में कई जनों ने अपने मकानों के मलबे भी यहाँ डाल दिए, जिससे धूला भी बहुत जबरदस्त उड़ रहा है और व्यापारी के अगर दुकान में अगर कोई आइटम पड़ा है तो वो एक दिन में अत्तू हो रहा है। मतलब वो एक तो पहले से बंदी की मार से झेल रहा है व्यापारी और उसके साथ में, और दूसरा ये कि उस माल को अत्तू हो गया, ग्राहक भी कहता है कोई नया पीस दिखाओ, फ्रेश पीस दिखाओ, तो व्यापारी उससे भी दुखी है। तीसरा ये कि ये डंपिंग यार्ड हमारा बाजार, हमने पिछले कई समय से स्वच्छता की रैंक में हम आगे आए हुए हैं और हम इस बाजार को बहुत स्वस्थ रखते हैं। हमारे यहाँ काम नहीं हो रहा है, उसके बाद में भी आप इस तरह से गंदगी आप लोग फैलाएं और फिर हमें कहें कि हम सहयोग करें। हम सहयोग कर रहे हैं, हम सहयोग करने में कोई कमी नहीं रखी हमने, लेकिन ये बात है कि आज हमने सभी को मतलब प्रशासन के मतलब हमने जीरो लेवल से लगाकर अपर लेवल जिसमें कलेक्टर साहब तक को हमने ज्ञापन दे के आया, मैं स्वयं जाके आया हूँ, एसपी साहब से भी निवेदन कर नहीं हम करवाते हैं, हम इसको करवाते हैं। मैंने कहा देखो इसमें हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, हम तो ये है कि अगर वैसे भी इसके कारण डंपिंग के कारण लोडिंग और अनलोडिंग में भी ट्रैफिक जाम हो रहा है, वो भी न्यूसेंस हो रहा है, तो आप किसी न किसी तरह से इसका समाधान निकालें। हम आपके लिए फुल फ्लेज सहयोग करने के लिए तैयार हैं, आपका काम हो तो भी हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें कहीं कहीं राहत तो दो इस बात को लेकर। आज अचानक हमारे एक डंपर ने एक कार पे पूरा रेती खाली कर दी, जिससे कार का नुकसान भी हुआ, ये पैसा पे इनका कार का नुकसान हुआ। अब ये हर आदमी है, नुकसान भी झेले, व्यापार भी कम खेले, ये सब कैसे करेंगे? इसलिए आज थोड़ा सा आक्रोशित हो गए व्यापारी, हम उनसे बात कर रहे हैं और नगर निगम से भी बात करके आज हम कहेंगे कि इनको आप ये डंपिंग हटा दें। आप ले आओ, आपके पास गांधी ग्राउंड पड़ा है, आपके पास नगर निगम की बहुत सारी जगह पड़ी है, आपके पास में ये देवी गेट की पार्किंग पड़ी है, आप कहीं भी जगह संडे बाजार ये इसे अच्छा न्यूसेंस बहुत हो रहा है। मतलब प्रशासन नाम की यह चीज ऐसी हो गई है कि दुकानों के ताले तोड़ना आम बात हो गई, दुकानों में सामान पार होना आम बात हो गई, थोड़ा सा व्यापारी निगाह चुका और एक मिनट में ऐसा सामान चार पास हो जाता है। अश्विनी बाजार के व्यापारियों के द्वारा हमें परसों लिखित में यह निवेदन किया गया कि यहाँ से मटेरियल हटाया जाना है, तो इसके लिए हमने इनके प्रोजेक्ट मैनेजर को पाबंद कर दिया है और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि शनिवार की शाम तक इस पूरे मटेरियल को हटा दिया जाएगा। व्यापारियों द्वारा इसके लिए हमें कहा गया था कि आप अपने रिटर्न में देवें, तो मैंने ये लिख के दिया है कि एलएनटी के द्वारा जो मटेरियल यहाँ पे डाला गया है उसको शनिवार को रात तक हटा दिया जाएगा और सुबह इनको एक बार विजिट करा दी जाएगी, उसके बाद अगर कोई मटेरियल कोई और अन्य के द्वारा डाला जाता है तो इसके लिए अलग से कार्रवाई की जाएगी। व्यापारों में
नहीं सर, इन व्यापारियों का केवल अभी हमने यहाँ पे केवल एक कप डक डालने का कार्य किया है, उसको भी हमने वापस पैक कर दिया है। केवल इस मटेरियल को लेके उनका आक्रोश था, बाकी और कोई था। सर पहले दीवा मतलब फेस्टिवल के समय दो बार शिकायत की गई थी, उस समय हमने मटेरियल हटा दिया गया था, लेकिन बाद में और डाला गया था, इसलिए हमने इनको कह दिया कि हम शनिवार की रात तक इसको हटा। नहीं चाहिए भीख दया की, नहीं चाहिए खैरात, मुझको मेरा हक दे दो, दहली गेट मांग रहा दिन रात। जी हाँ, गुलामी की जंजीरों से जकड़ा शहर का दहली गेट चौराहा अब अपने हक के लिए बोलने लगा है। उदयपुर न्यूज पर दिल्ली गेट की गुलामी की खबर दिखाए जाने के बाद अब शहरवासी भी खुलकर इसके समर्थन में आगे आने लगे हैं। देखिए दिल्ली गेट चौराहे पर क्या कुछ कहा शहर के जागरूक लोगों ने। रसूखदारों और कब्जेदारों के चंगुल में लगातार फंसा रहा उदयपुर का दहली गेट चौराहा। उदयपुर दहली गेट चौराहे के नाम से कई सरकारें आई और कई सरकारें गई, और इसके रखरखाव और इसके कब्जे को हटाने की जिम्मेदारी सरकारों ने ली, लेकिन नोटों और वोटों की राजनीति के चलते यह दिल्ली गेट चौराहा लगातार बर्बाद होता रहा। मेवाड़ी में एक कहावत है, खांखरारे तीन पाना चौथो कोणी आवे। यही कहावत यहाँ भी चरितार्थ होती है दिल्ली गेट चौराहे के लिए, कि एक तरफ तो रसूखदारों की होटलों के आगे बनी पार्किंग का कब्जा, दूसरी ओर प्रशासन द्वारा बैरिकेड्स लगाकर रास्ते को ब्लॉक करना, और तीसरी ओर छोटे ठेले व्यवसायियों द्वारा जो यहां अतिक्रमण किया जा रहा है वो, और चौथा सबसे महत्वपूर्ण बताऊं, करोड़ों रुपए लगाकर निगम ने एक पार्किंग बनाई जिसका आज तक कभी कोई मतलब नहीं निकला। खैर छोड़िए इन सभी बातों को, शहर के जागरूक लोगों से बात करेंगे कि नगर निगम की बनी हुई पार्किंग का क्या होना चाहिए। भाई साहब आपका स्वागत है। मैं आपसे सर पहला प्रश्न यह पूछना चाहूंगा कि दिल्ली गेट चौराहा जो लगातार अतिक्रमण का शिकार हो रहा है, क्या उपाय हो सकते हैं इसको अतिक्रमण से मुक्त करने के? वास्तव में इस चौराहे के अतिक्रमण का मूल जो कारण है वो राजनीति में यहाँ लंबे समय तक यहाँ का पदाधिकारी रहा, यहाँ के विधायक रहे, यहाँ के होम मिनिस्टर रहे और राजस्थान सरकार में के विभिन्न पदों पर रहे गुलाब चंद जी कटारिया इसके जिम्मेदार हैं। उन्होंने कभी भी वोटों के लिए, खाली वोटों को देखते हुए इस चौराहे को स्मार्ट सिटी जो आज बन चुकी है, इस चौराहे को स्मार्ट नहीं बनने दिया। उन्होंने मात्र अतिक्रमण कराने का काम किया है। जिस प्रकार से ये पार्किंग डेवलप की गई है, इस पार्किंग का करोड़ों रुपए व्यय करने के बाद में भी आज कोई इसका मूल उद्देश्य पूर्ति नहीं हो रहा है, परंतु हम ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से चौराहे पे और ये जितने ठेले वाले खड़े हैं इनको अगर इसके ऊपर शिफ्ट कर दिया जाए तो निश्चित रूप से चौराया चौड़ा होगा। दूसरी बात आपने जो कही कि पुलिस ने बैरिकेड से लगा करके जिस प्रकार के चौराहे को, तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से इनको फ्लाईओवर बनाने चाहिए थे, जिस प्रकार से अंडरपास ओवरब्रिज बनाने चाहिए थे, आज दिन तक ये नहीं बना पाए। ये अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस प्रकार की आप पार्किंग डेवलप करके बताना चाहते हैं कि हमने वास्तव में कुछ किया है, परंतु उदयपुर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। आज ये चौराया है, विभिन्न चौराहे अपनी अस्मिता को बचाने के लिए इसी प्रकार रो रहे हैं। सर आप लगातार राजनीति में सक्रिय भी रहे हैं, दिल्ली गेट चौराहे पर रसूखदारों की होटलों के आगे हो रही पार्किंग को आज तक कभी कोई नहीं हटा पाया है, क्या क्या तरीका हो सकता है? निश्चित रूप से ये इनका वोट बैंक है, खाली वोटों को बचाने के लिए पूरी जनता को इन्होंने धकेल दिया है, और आज जिस प्रकार से ट्रैफिक व्यवस्था अव्यवस्थित हुई है, निश्चित रूप से रसूखदार इन होटलों के लोग जिम्मेदार हैं, यहाँ का नेता जिम्मेदार है जो बार बार जीत के आ रहे हैं विधानसभा में, जो आज नेता प्रतिपक्ष है वो जिम्मेदार है, गुलाब चंद जी कटारिया जिम्मेदार है। ये थे दिनेश जी श्रीमाली हमारे साथ। हमारे साथ और भी कोई जागरूक लोग हमारे मौजूद हैं हमारे साथ। आपको बता दें कि दिल्ली गेट चौराहा चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर अपने आजादी की भीख मांग रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहूंगा कि आप इतने जागरूक हैं, शहर की समस्याओं से लगातार जूझ रहे हैं और लोगों को रूबरू करा रहे हैं। दिल्ली गेट का जहां तक प्रश्न है, जहां हम खड़े हैं और आप खड़े हैं, ये एक पार्किंग बनाई है करोड़ों रुपए लगा के। अगर आप अपना कैमरा डालेंगे तो एक भी स्कूटर यहां नहीं खड़ा हुआ है। नगर निगम में जो सरकार बनी हुई है पिछले 6 बोर्डों में 30 साल इनको हो गए हैं, इनका किसी तरह का कोई विजन नहीं रहता। जसपाल भट्टी का एक प्रोग्राम आता था, सेम जसपाल भट्टी टाइप इनकी मीटिंग होती है, उसमें कोई
चीज होती नहीं है, केवल मीटिंग होती है और खत्म हो जाती है और ये अगली मीटिंग तय करने की बात करते हैं। मीटिंग में ये एजेंडा होता है, इनका किसी तरह का कोई भी विजन नहीं रहता है किस तरह से शहर को हम डेवलप करें। आज जहां हम खड़े हैं आप देखिए, एक भी गाड़ी या नहीं है, तो करोड़ों रुपए खर्च करने का क्या मतलब। केवल गुलाब जी ये चाहते हैं कि मैं जो कहूं वो हो जाए, उससे तो करोड़ों अरबों रुपये उदयपुर की जनता का खर्च हो रहा है, उनकी जेब से या भारतीय जनता पार्टी का पैसा नहीं लग रहा है, उदयपुर शहर की गरीब जनता और अमीर जनता का पैसा लग रहा है, उसको ये धूल्हे में मिलाने का काम कर रहे हैं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड को जो छह टाइम से काबिज है, उनको सोच होनी चाहिए उनकी कि किस तरह शहर को डेवलपमेंट करें। खासकर दिल्ली गेट की बात करूं तो नीचे जितने ठेले वाले और सब्जी वाले हैं, इनसे स्कूटर वाले तो आएंगे नहीं, उनको इधर शिफ्ट कर देना चाहिए और नगर निगम को जो राजस्व इनको वसूली करनी है वो उनसे ले लें, ताकि नीचे का रोड तो साफ हो जाए, इनमें थोड़ी भी बुद्धि होगी तो ये कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। बहुत अच्छा सुझाव यहाँ पर सामने आया है कि ठेले व्यवसायियों को इस पार्किंग में शिफ्ट कर देना चाहिए और जो राजस्व है जो पार्किंग के नाम पे यहाँ से टू व्हीलर्स का लेने जा रहे हैं वो ठेले व्यवसायियों से ले लेना चाहिए, जिससे निगम का राजस्व भी बरकरार रहे और शहर की सुंदरता भी रहे। हमारे साथ उदयपुर शहर के एक युवा नेता हमारे साथ हैं, इनकी क्या सोच है, युवा क्या सोचते हैं शहर की जनता के लिए, सर क्या कहना चाहेंगे इस अतिक्रमण के लिए? सर जो अतिक्रमण हो रहा है दिल्ली गेट पे, हम सब इससे भलीभांति परिचित हैं, निगम की जमीन है, पुलिस डिपार्टमेंट की यहाँ पे इसको क्या कह सकते हैं आप, जो रास्ता बंद कर रखा है पुलिस डिपार्टमेंट ने, जो कि इतना बड़ा हिस्सा निगम की रोड जिसकी परवरिश निगम कर रही है और पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से बंद कर रखा है। मेरा मानना है कि निगम को और प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं उनको बैठ के इस पर चर्चा करनी चाहिए। जो इतना बड़ा हिस्सा बंद कर रखा है वो हिस्से का जवाब कौन देगा सर? जो सिग्नल पहले चलते थे सुव्यवस्थित, यहाँ पे गाड़ियां निकलती थी, वो अब बंद हो गई हैं। युवाओं के चालान दिन पर दिन काटे जा रहे हैं, जिस तरह मेरे पास भी फोन आ रहे हैं। मेरा निगम से और प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से एक सवाल है, उनका चालान कौन काटेगा जिसने ये पार्किंग बनाई है और जो यहाँ पे इतना पैसा लगा हुआ है, करोड़ों रुपए जो खर्च हुए उसके बाद यहाँ पे कोई यूज नहीं किया जा रहा है सर, जहाँ पे हम खड़े हैं इस समय पर। इसकी अगर आप पार्किंग, मैं पार्किंग के खिलाफ नहीं हूँ, आप इसको तीन मंजिला बनाएं, नीचे की मंजिल आप ठेले वालों को दें, ऊपर आप रूफटॉप पार्किंग बनाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरा सवाल इतना सा है, जो ठेले वाले रोज चौराहे पे खड़े हैं, जो शाम कुछ ऑफिस से छूट के जो जनकर्ता जन कार्यकर्ता लोग समाज के जो भी फल फ्रूट लेने रुक रहे हैं उनसे जाम लग रहा है, उसका जवाब कौन देगा? स्मार्ट सिटी से अग्रसित होने में आज मेरा मानना है कि चौराहे एकदम सुचारू रूप से चालू होने चाहिए। जो भी पर्यटक, जो भी सैलानी, जो भी आम कार्यकर्ता, जो भी मेरे जैसा नौकरी पेशा आदमी, जो भी जिस भी तरह से उदयपुर से सम्मिलित है या जुड़ा हुआ है, वो चौराहों की वजह से जुड़ा हुआ है। चौराहों पे अगर 20-20 मिनट आदमी को इंतजार करना पड़े, और मेरा मानना है कि सुचारू रूप से अगर चौराहे पे एक सड़क पुलिस वालों ने पूरी बंद कर रखी है और निगम की जमीन मंगी, अभी तक निगम अगर उसका जवाब नहीं मांग रहा है तो मेरा मानना है स्मार्ट सिटी तो बहुत दूर की बात है, उदयपुर सुचारू रूप से अभी तक चालू भी नहीं हुआ है। गलियों की बात तो बहुत दूर है, चौराहों पर नहीं आ रहा है। दूसरी बात मेरा मानना है, जहां हम अभी खड़े हुए हैं यहां पर मेरा निवेदन है निगम से, जो भी नीचे ठेले वाले खड़े हैं इनको लाइसेंस रद्द किया जाए, जैसे कि अंजुमन सदन में सब्जी मंडी में दिया गया है, जहां का मैं पार्षद हूं वहां पर मैं जिम्मेदारी देख रहा हूं। और मेरा मानना है जो गाड़ियां खड़ी हुई हैं उनके चालान अगर सूरजपुर चौराहे पे हो रहे हैं, रेगुलर गाड़ियां उठ रही है, मेरा सवाल इतना सा है, दिल्ली के चौराहे पे वो गाड़ियां क्यों नहीं रुकी जा रही है? क्या इसके पीछे कोई ना कोई आपसी रजामंदी है या कोई आपसी रिश्ता है जो इसको रोक रहा है? ये मेरा सवाल है। युवा ये चाहता है कार्य समृद्ध हो, स्मार्ट सिटी बने, चौराहे सुचारू रूप से चलें, और हमारे गरीब भाई जो थैला लेके नीचे खड़े हैं, जिनको आए दिन खड़ाया जाता है, मेरा मानना है 10 से 15 मुकदमे या 10 से 15 बार ये सब सब्जी वाले एकत्रित होकर कलेक्टर के पास गए हैं, निगम के पास गए हैं, अभी तक उनको जवाब क्यों नहीं दिया गया है? जब इतनी बार पुलिस वाले इनको यहाँ से हटाया है तो इनको जगह क्यों नहीं दी जा रही है? ये भी धंधा करने आए हैं, ये भी गरीब लोग हैं। दूसरी बात, जो गाड़ियां खड़ी हैं, जो गाड़ियां जगह घेर रही हैं, पार्किंग आपने बनाई, जो पार्किंग ने अभी सुचारू रूप से इसका यूज क्यों नहीं किया जा रहा है? इतनी पैसा आपने लगाया है। मेरा निगम से और पुलिस प्रशासन से निवेदन है, एक युवा होने के नाते, सिस्टम का पार्ट होने के नाते, पार्षद होने के नाते, आप उदयपुर का बच्चा होने के नाते, कि आप एक मंच पर बैठे हैं, एक टेबल पर बैठे हैं और ये वार्ता हो और हमें जल्द से जल्द इसका जवाब मिले कि कब ये रोड की तानाशाही हटेगी, कब रोड से गाड़ियां निकलने लगेंगी, कब सिग्नल चालू होंगे, सुचारू से दिल्ली गेट कब चालू होगा। ये जवाब गौरव प्रताप और पूरा युवा आपसे जल्द से जल्द चाहता है, इसी आस के साथ कि जल्द से इसका निवारण होगा। गौरव प्रताप सिंह, आप भी अब निगम में हैं, आप एक पार्षद के बतौर निगम में हैं, और जहां तक हमने आपको जाना है कुछ संवेदनाएं आपके अंदर जीवित है। क्या लगता है उदयपुर शहर का दिल्ली गेट चौराहा जो अतिक्रमण से जूझ रहा है, अपनी आजादी की भीख मांग रहा है, आप निगम में होते हुए इसको किस तरह से सही करवाने का प्रयास करेंगे? मैं निगम में होते हुए मेरे सारे निगम साथियों के सामने, महापौर साहब के सामने, कलेक्टर साहब के सामने, सबके सामने आवाज उठाऊंगा। जो भी चीजें चल रही हैं मैं देखता आ रहा हूं। सवाल मेरे दिल में बहुत टाइम से थे पर उठा पा रहे थे, उठाए भी हैं, अब एक पोस्ट पे हैं, एक दायित्व पे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने मुझे चुना है, मैं उस वार्ड से चुन के आया हूँ जहाँ पर बहुत टाइम बाद कांग्रेस पार्टी आई है
उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है, मेरी पार्टी भरोसा जताया है। गौरव प्रताप सिंह आपके चैनल के माध्यम से वादा करता है कि दिल्ली के चौराहे के लिए जहां तक आवाज उठानी पड़ी निगम में और कलेक्ट्रेट में मैं उठाऊंगा। जो भी यहां हो रहा है ठेले को लेके, पार्किंग की व्यवस्थाओं को लेके, जो रोड निगम की बंद कर दी गई है पुलिस प्रशासन के द्वारा, उसके लिए मैं आवाज उठाऊंगा एसपी साहब से, कलेक्टर साहब से, मेरे निगम के साथियों में आवाज उठा के, और वादा करता हूं जहां तक दिल्ली गेट्स को इस सब तानाशाही से मुक्त कराने में गौरव प्रताप सिंह हमेशा अग्रसित रहेगा। अच्छा सुझाव भी यहाँ पर है और जिम्मेदारी भी इन्होंने उठाई है। एक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि शहर में हो रही अव्यवस्थाओं के पीछे किसका हाथ हो सकता है और क्या लगता है आपको किस तरह से इन समस्याओं से निपटारा किया जा सकता है, क्योंकि कई सारे न्यूज चैनल, कई अखबार, कई प्रतिष्ठित पोर्टल्स जो हैं वो इस बारे में कई बार आवाज उठा चुके हैं लेकिन आज तक इसका कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। आवाज तो बहुत उठी है मगर निराकरण कभी नहीं हो पाया। इसके पीछे एक ही कारण है, राजनीति। अभी तक तो कह रहे थे कि विपक्ष मजबूत नहीं था, अब विपक्ष मजबूत है तो हो सकता है कुछ आवाज उठे, लेकिन अभी तक उठती हुई दिख नहीं रही है। हालात जस के तस है। शाम को यहाँ आप दिल्ली गेट पे आओ तो आपको अपना व्हीकल निकालने के लिए जो रास्ता आप 2 सेकंड में क्रॉस कर सकते हो उसके लिए आपको 10 मिनट रुकना पड़ता है। और जहां तक इस पार्किंग का सवाल है, ये बिल्कुल अनयूज पार्किंग है, आप देख सकते हैं यहाँ कोई यूज नहीं है। पार्किंग का इस्तेमाल किया जा सकता है? पार्किंग का इस्तेमाल किया जाता है। अगर पार्किंग का इस्तेमाल ना हो तो जैसा कि एक यहाँ पे किसी ने सजेशन दिया, थोले वालों को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए, कुछ तो किया जाए। ये करोड़ों रुपये जो व्यय हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है? क्या इसके लिए नगर निगम के जिम्मेदारों पे कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तरह से इसका अतिक्रमण मुक्त कराया जा सकता है, क्योंकि हमने जो देखा है बड़ी होटलों के आगे की पार्किंग आज तक कोई नहीं हटा पाया, क्या कारण है? रसूखदारों के चलते नहीं हटा पा रहे हैं ये लोग। कार्रवाई निगम निगम को भी करनी चाहिए, प्रशासन को भी करनी चाहिए और विपक्ष को भी आवाज उठानी चाहिए। जो अभी तक उन्होंने दमदार आवाज उठाई नहीं है, उठानी चाहिए उनको। बिल्कुल अच्छा सुझाव है सर, और सब मिलकर प्रयत्न करेंगे तो जरूर कुछ होगा। शहर के जागरूक नागरिक होने के नाते क्या तकलीफ होती है आपको दिल्ली गेट चौराहे को देखकर? दिल्ली गेट चौराहे को देख करके मुझे ही नहीं, इस शहर में जितने भी व्यक्ति रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, हर व्यक्ति दिन में एक बार इस चौराहे से जरूर गुजरता है, और गुजरता है तो वो यहाँ की जो तकलीफ है उस तकलीफ को आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे बहुत ज्यादा तकलीफ में। जितनी जो ये सामने होटल बनी हुई है, बावर्ची हो गई, दया हो गई और मीरा भोजनालय हो गई, उनके बाहर की आप पार्किंग को देखें, फिर वो पार्किंग तो ठीक थी वहां तक, फिर इन्होंने पुलिस वालों ने जो ये बैरिकेड्स वगैरह जो सारे लगा दिए, उससे लोगों को और ज्यादा परेशानी हो रही है। यहाँ पे एक तो ये रोड सकड़ा है जहां से आप देख सकते हैं कि जो इन्होंने वन वे किया है, यहां से प्रॉपर वे में पूरी गाड़ियां एक साथ में नहीं निकल सकती है। फिर ये थैलों का जितना भी अतिक्रमण है, इन थैलों के अतिक्रमण के लिए ये जो पार्किंग करोड़ों रुपए खर्च करके बनाई हुई है, इस पार्किंग के ऊपर आप कोई स्कूटर, कोई मोटरसाइकिल, कोई कार तो खड़ी नहीं है। अगर नहीं खड़ी है तो कम से कम 6 महीने 8 महीने तक इसको देख करके इन ठेले वालों को किराए पे दे देनी चाहिए ये जगह। उनको खाली नगर निगम को राजस्व कमाने से है, तो राजस्व ठेले वालों से मिले, पार्किंग से मिले, किसी भी चीज से मिले। अगर उन्होंने कहीं कुछ इन्वेस्ट किया है तो उनको पैसा मिलना चाहिए। उस पैसे के बदले में इन सबको अगर ये जगह दे दे तो लोग यहाँ पे आराम से अपनी परचेजिंग, खरीदारी भी कर सकते हैं सब्जियों की इनकी, और इन ठेले वालों को भी व्यवसाय मिल सकता है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं ये आप देख ही रहे, चारों तरफ अगर कैमरा घुमाएंगे तो आपको रूबरू दिखेगा कि हर, और उदयपुर का दिल्ली गेट चौराहे ही नहीं, जितने भी चौराहे हैं सब जगह पे इन्होंने बैरिकेड्स लगा करके, और कहीं पे जहाँ पे 4 बत्ती है वहां पे 2 बत्ती कर दिए, यहाँ पे 5 बत्ती चौराहे के नाम से ये किया, अभी जाने जाने लगा था बीच में थोड़े टाइम के लिए, उसको हटा करके इन्होंने 3 बत्ती चौराहे कर दिया, जहाँ पे 2 पुलिस वालों की ड्यूटी खड़ी करनी चाहिए कि भाई ट्रैफिक को कंट्रोल कर ले, उसकी जगह पे इन्होंने 7-7, 8-8 खाली सिर्फ चालान के नाम पे पुलिस वाले खड़े कर रखे, किस गाड़ी में से चाबी निकालनी है और किसका चालान बनाना है। तकलीफ होती है भाई साहब, तकलीफ होती है। जिस सूरज के रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले थे, जिस सूरज के इंद्रधनुष में 7 रंग समाते थे, उस सूरज की सत्ता को पुच्छल तारा ललकार गया, टेढ़ी दुम सीधी करने में ताजमहल भी हार गया। जी हाँ, कई सारी सरकारें आई और कई सारी सरकारें गई, दिल्ली गेट को मुक्त नहीं करा पाई। एक शहर के जागरूक व्यक्ति को और हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। सर क्या तकलीफ होती है? बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। हम लोग इधर से रोड निकलते हैं तो हमारे को यहाँ इतना भीषण ट्रैफिक देख के बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। हम घर से निकलते हैं, मात्र 10 मिनट का रास्ता है हमारे को ऑफिस जाने का, परंतु कम से कम आधे से पौन घंटा हम लोगों को ऑफिस जाने में लग जाता है। उसका संपूर्ण जिम्मेदार अपना यहाँ का नगर निगम है, प्रशासन है। वापिस यहीं पे दिल्ली गेट के पास में ही
हमारा महाराणा भोपाल चिकित्सालय है, जहाँ पे कई बार बाहर से अहमदाबाद से गुजरात से इधर से या चित्तौड़ साइड से भी एम्बुलेंसें आती है, जो जिनके लिए रास्ता यही है और वापस इस ट्रैफिक को के अंदर फंस जाते हैं, तो कई बार मरीज भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, परंतु इस चीज़ की सुनवाई करने वाला हमारे यहाँ पे कोई भी नहीं है। और यहाँ पे देखा गया है कि जिस प्रकार से इस डेलीगेट का धीरे धीरे अतिक्रमण ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, दुकानों के बाहर भी 15-15, 20-20 फीट आदमी बाहर निकल के और सामान बेच रहा है, कोई उनको बोलने वाला नहीं है, क्योंकि इन सबके हफ्ता वसूली बंधी हुई है, उसका फायदा ले रहे हैं और कुछ नहीं। और ये मार पड़ती है आम गरीब इंसान को, कोई ठेले वाला है तो आएंगे डंडा बजाएंगे, उनको बोलेंगे, इन गरीबों को ज़्यादा सताएंगे, बाकी दुकान वाले 15-15, 20-20 फीट बाहर निकले हुए उनको बोलने वाला कोई नहीं है। अभी आपने भी देखा होगा, अगर आपको जानकारी में हो, कि यहाँ से अश्विनी बाजार से लेकर हाथीपोल तक यहाँ टोटल अभी डंपिंग यार्ड बना दिया, जिसकी वजह से वाहन परेशान, काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, वहाँ के व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान है, वो उन लोगों ने कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया परंतु उनकी भी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। अभी दिनेश जी भाई साहब हम गए थे, उन्होंने अभी एजीएम साहब को फोन किया, उन्होंने आगे की कार्रवाई के लिए बोला है, देखते हैं कितने दिन में कार्रवाई होती है। हम लोग जिम्मेदारों को संज्ञान लेना चाहिए, इस पे जल्द से जल्द लेना चाहिए, कितने समय में इसकी पार्किंग और दहली गेट को मुक्त करा देना चाहिए, कम से कम इनको सारी व्यवस्थाएं करते हुए 5-7 दिन के अंदर सारी चीजें करवा देनी चाहिए। हम यूँ नहीं कहते कि आज का आज करो, क्योंकि व्यवस्थाओं को बनाने में कुछ समय लगता है, हम भी जानते हैं, परंतु कम से कम 5-7 दिन के अंदर कोई कोई इसका समाधान निकाल, उचित समाधान निकाले और स्थायी समाधान निकाले, ताकि आम जनता को फायदा मिले। क्योंकि अगर ये चाहें तो जो सब्जी वाले जो रोड के ऊपर खड़े हुए हैं, ये ऊपर की जो पार्किंग बनी है लाखों करोड़ों रुपए लगा के, उसका कोई मतलब नहीं। गुलाब चंद गटर ने क्या पता क्या सोच के ये बनाया है, हमारे को खुद को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक गाड़ी लगाओ तो एक गाड़ी वापस घूम नहीं सकती यहाँ पे, ठीक है। कम से कम किसी चीज को सोच समझ के बनाया जाए। अगर ऊपर की जो टू व्हीलर की जो पार्किंग है, इसके अंदर नीचे सब्जी वाले जो बैठे हुए हैं, आम गरीब आदमी नीचे रोड पे पड़ा हुआ, इसको ऊपर इससे जगह मिल जाएगी, कम से कम 2 पैसा कमा के खाएगा, उससे अपने नगर निगम के राजस्व के अंदर भी 2 पैसे का फायदा होगा और हर आदमी व्यवस्थित होगा, आने जाने वाले ट्रैफिक को भी फायदा मिलेगा, कोई स्पीड से आता जाता किसी गरीब आदमी को कुचलेगा नहीं, हर तरफ से गरीब को फायदा मिलेगा, प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद मिलेगा कि अचूक उचित व्यवस्था की। उसके लिए हम ये चाहते हैं, उचित मांग करते हैं कि कम से कम हम सभी जनों की सुने और 5-7 दिन के अंदर कौन कोई ठोस कदम उठा के अच्छा फैसला ले। मैं शब्दों की तंत्र जाल हूँ, वर्तमान को उगाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, इसीलिए मैं इनकलाब के स्वर की एक निशानी हूँ, गाते गाते अंगारा हूँ, लिखते लिखते पानी हूँ, मेरे मन में क्रोध भरा है, मुट्ठी भींच रहा हूँ मैं, दिल्ली गेट के अतिक्रमण का पर्दा खींच रहा हूं मैं। महापौर साहब, उप महापौर साहब, आप जहां कहीं भी हैं, शहर की जनता की आवाज आपके कानों तक पहुंची या नहीं पहुंची, आइए दिल्ली गेट चौराहे को मुक्त कराइए। उदयपुर न्यूज अपील करता है, उदयपुर न्यूज आप लोगों से बारंबार निवेदन करता है कि बरसों से हो रहे इस अतिक्रमण को और इस जाल को जल्द से जल्द खत्म करने का प्रयास कीजिए। उदयपुर न्यूज के लिए अभिषेक जोशी को कैमरा पर्सन कमल वसीटा के साथ दीजिए इजाजत, फिर रूबरू होऊंगा आपसे यदि अगर दिल्ली के चौराहे का हाल नहीं सुधरा तो। जिसकी छोटी हाइट को लेकर लोग हमेशा मजाक उड़ाते थे, अब उसे टीवी में देखकर खूब तालियां बजा रहे हैं। हमारी जिंदगी सिर्फ हमारी नहीं होती है, इसमें घर वाले और बाहर वाले बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हम खुद के बारे में वही सोचते और महसूस करते हैं जो बचपन से हमारे पेरेंट्स या सोसाइटी हमें फील करवाती है। पर एक समय ऐसा भी आता है जब हम समाज की इन दकियानूसी बातों से उभरकर अपनी कमियों और ताकत के बारे में सोचते हैं। बस जिस दिन हम अपनी शक्तियों को पहचान उसका इस्तेमाल करने लगते हैं, उसी दिन से अपने सपनों की ओर आगे बढ़ने लग जाते हैं। इन्हीं चंद लोगों में उदयपुर के मोनार्क त्रिवेदी भी हैं। मोनार्क पेशे से डांसर हैं। मोनार्क हाल ही में देश के प्रमुख शो डांस इंडिया डांस में अंतिम 16 में पहुंचे हैं, जो कि टीवी के डांस रियलिटी शो डांस प्लस 5 में जबरदस्त डांस करते दिखेंगे। बाकी लोगों की तरह मोनार्क के लिए भी इस मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं था। एक समय ऐसा था जब मोनार्क की कदकाठी के लिए उन्हें काफी आलोचना सुननी पड़ती थी। आपको बता दें कि मोनार्क ने 11 साल की उम्र से ही डांस करना शुरू कर दिया था, पर छोटे कद की वजह से उन्हें बार बार शर्मिंदा किया जाता रहा। इन तानों का आलम यह था कि एक समय में वो डरा सहमा रहने लगा। यही नहीं, मोनार्क को यहां तक कि लगता था कि वो जिंदगी में कभी एक कामयाब इंसान नहीं बन पाएगा। हालांकि कुछ समय बाद मोनार्क ने डांस से प्रेरणा लेते हुए खुद पर काम किया और आज टीवी के बड़े मंच तक पहुंचने के काबिल बना। मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपसे शेयर करना चाहूंगा, और
जिसमें हमारे मोनार्क त्रिवेदी जो हैं डांस प्लस सीजन 5 में अभी नजर आएंगे, टॉप 16 के अंदर वो आ चुका है। काफ़ी सारे लाखों लोगों को बीट करके, ऑडिशन देके, कई सारे राउंड पार करने के बाद वो फाइनली अभी टॉप 16 तक पहुंच चुका है। अभी तक वो अनिल कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ और कई सारे स्टार्स के साथ में परफॉर्म कर चुके हैं। अभी रिसेंट उसका एपिसोड शूट हुआ है जो कि सलमान खान और प्रभु देवा सर के साथ में हुआ है। और उदयपुर से ये जाने वाला हमारी एकेडमी से 4 या 5 स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनमें से एक है। और बहुत अच्छा उदयपुर के लिए एक रास्ता और खुलेगा ताकि और आगे से आगे बच्चों को हम लोग तैयार कर पाएं इसके लिए। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के विद्यार्थियों ने सूचना केंद्र और प्रताप गौरव केंद्र का प्रायोगिक भ्रमण करते हुए अधिकारियों से विस्तृत संवाद किया। विभाग प्रभारी डॉक्टर कुंजन आचार्य के नेतृत्व में भावी पत्रकारों ने सूचना केंद्र में उपनिदेशक कमलेश शर्मा से विस्तृत बातचीत की तथा सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के तरीके, पीआरओ के कार्य दायित्व और उसमें कैरियर की संभावनाओं के बारे में संवाद किया। बाद में विद्यार्थियों ने प्रताप गौरव केंद्र का करीब 3 घंटे तक विजिट किया तथा वहां की गतिविधियों को नजदीक से देखा। ऑडियो विजुअल प्रस्तुतियों सहित उसके निर्माण कार्य, वॉइस ओवर की जानकारी भी प्राप्त की। उदयपुर में गुरुवार को जिला कलेक्टर आनंदी ने जन सुनवाई करते हुए लोगों की समस्या के निस्तारण के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए। शिकायतों के निस्तारण के लिए हुई जन सुनवाई से पहले जिला कलेक्टर ने सभी विभागों को निर्देश जारी कर रखे थे कि जन सुनवाई में सभी विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहें ताकि लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद उनके निस्तारण की दिशा में काम किया जा सके। जन सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर आनंदी ने एक एक कर लोगों की शिकायतों को सुनने के बाद संबंधित अधिकारियों से उस पर चर्चा की और समय रहते सभी के निस्तारण की बात भी कही। इस दौरान जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को यह भी कहा कि शिकायत है तभी आती है जब लोगों को परेशानी होती है, इसलिए लोगों की शिकायतों पर ध्यान दें और समय रहते उनका निस्तारण करें। खासकर जहां जहां पर भी बेसिक सुविधाओं की कमी है और लोग बेसिक सुविधाओं को लेकर शिकायत कर रहे हैं, उन शिकायतों का निस्तारण तुरंत होना चाहिए। और बुलेटिन में यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। शहर के बीचों बीच बसा सिद्धि विनायक हॉस्पिटल। आपातकालीन सेवा एवं सभी प्रकार की जांचों की सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल जो देती है आपको एक विश्वास। सभी प्रकार के ऑपरेशन, अत्याधुनिक मशीन से लैस, आईसीयू की सुविधा उपलब्ध। आपके विश्वास एवं मुस्कान पर खरा उतरना ही हमारा धैर्य। सिद्धिविनायक हॉस्पिटल, मेन रोड, सेक्टर 6, हिरण नगरी, उदयपुर। कॉल 9660733167। उदयपुर में 19 से 21 दिसंबर को शोभापुरा 100 फीट रोड स्थित अशोका ग्रीन पैलेस में उदयपुर हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग कॉन्क्लेव और इंडियन फूड कार्निवल 2019 का आयोजन होगा। ये कॉन्क्लेव मुख्य आयोजक इंडिया 2020 एग्जीबिशन, सह आयोजक लक्ष्मी पब्लिसिटी एंड डिजिटल HNH 2020 और एम स्क्वायर की ओर से किया जा रहा है। इस कॉन्क्लेव और फूड कार्निवल से नई होटल के निर्माण, नई तरह के फूड का निर्माण और कैटरिंग में नई तकनीकों के उपयोग बढ़ेंगे जिससे संपूर्ण उदयपुर को फायदा मिलेगा। इस कॉन्क्लेव में किचन इक्विपमेंट, पोर्ट एंड होटल हॉस्पिटैलिटी टेक्नोलॉजी, फूड एंड बेवरेज एसेसरीज, फूड डेकोर एंड फूड डिस्प्ले इक्विपमेंट, फास्ट फूड किचन इक्विपमेंट, मॉकटेल एसेसरीज, हाउसकीपिंग एसेसरीज, कटलरी, टेबल वेयर क्लॉथ, शेफिंग डिश, लॉन्ड्री, होटल रूम की सजावट में उपयोग आने वाले बैग, गद्दे, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक केटल जैसे कई वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही इंडियन फूड कार्निवल में मैक्सिकन, अमेरिकन, थाई, चाइनीज, इटालियन,
स्पेनिश, टर्किश और लैबनिश देशों का फूड प्रदर्शित होगा। कार्निवल में संबंधित देश और राज्यों की फूड स्टॉल्स को पारंपरिक अंदाज में सजाया गया है, जो अपनी खाद्य संस्कृति को पेश करेगी। एक्सपो के दौरान विभिन्न देशों और राज्यों के पारंपरिक व्यंजनों का लाइव फूड कार्निवल में आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। कार्निवल में होने वाले कुकिंग कंपटीशन, बेकरी, पेस्ट्री, शेफ कंपटीशन, मॉकटेल कंपटीशन में आप भी अपना हुनर दिखाकर कई बड़े खिताब और इनाम भी अपने नाम कर सकते हैं। प्रकृति की गोद में बसा अनंता मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपातकालीन सेवा एवं सीटी एमआरआई सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल, जो देती है आपको एक विश्वास बेहतर जिंदगी का। जनरल ओपीडी निशुल्क, मोतियाबिंद के निशुल्क ऑपरेशन, मेल लेन सहित निशुल्क एवं सबसे बढ़कर भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अधिकृत हॉस्पिटल, क्योंकि अब इलाज का खर्च नहीं, कल की फिक्र नहीं, आपके विश्वास एवं मुस्कान पे खरा उतरना ही हमारा ध्येय। अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, अनंता ग्राम NH8 तहसील नादवारा राजसमंद, कॉल 1800-300-0023। वैदेही ग्रुप लाए हैं राजस्थान का नंबर वन हाउसिंग प्रोजेक्ट वैदेही प्रीमियम हाउसिंग, जहां है ग्रीन पार्क, क्लब हाउस फैसिलिटी, चिल्ड्रन प्ले एरिया, कम्युनिटी हॉल जैसी सभी मूलभूत सुख सुविधाएं, जहां है 1 BHK 12 लाख में और 2 BHK 22 लाख में, 90% तक लोन सुविधा उपलब्ध, साथ ही GST पर 80% और स्टैम्प ड्यूटी पर 50% तक की छूट। कॉन्टैक्ट 9983-05577, न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स उदयपुर। विजिट www.vaidehidevelopers.com। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी टू व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर, फोन नंबर 0294-2426-838। उस दिन तो मैं डर ही गई थी, रात के 1 बजे मैं कहां जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं? उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठीबाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मनवाखेड़ा पंचायत की सावित्री वाटिका रोड के समीप कॉलोनी के बाशिंदे खाली पड़े भूखंड में बने बिन मुंडेर के कुओं से दहशत में हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि कॉलोनी में कई समय से एक खाली पड़े भूखंड पर दो बिन मुंडेर के कुएं हैं। ऐसे में यहां कभी भी जनहानि होने की चिंता बनी रहती है। अभी तक कई बार बेजुबान पशु भी गिर चुके हैं।
इस बारे में कुएं के मालिक पूरन डांगी, भेरा डांगी और ओंकार डांगी से कहा गया कि इन कुओं को बंद करवाया जाए, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हो पाया। इस संबंध में मनवाखेड़ा पंचायत सरपंच भंवर डांगी, सचिव संजय कुमार और जिला प्रशासन से भी शिकायत की गई, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। उदयपुर न्यूज को क्षेत्र के महिला पुरुष के अलावा छोटे बच्चों ने भी दहशत भरे लफ्जों में कहा कि इन बिन मुंडेर के कुओं को जल्द बंद किया जाए ताकि चिंता नहीं बनी रहे। हमारे यहाँ घर के पास कुआ है, दो कुएं बने हुए हैं, इन लोगों को बहुत बार बोला है फिर भी ये लोग कोई कार्रवाई नहीं करते। छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, पहले भी दो चार बार कुत्ते गाय वाय गिर गई, बहुत मुश्किल से बाहर निकाला उनको, और पंचायत में भी हमने शिकायत दी पर कुछ भी नहीं हुआ। आज दिन तक खुले कुएं दोनों ही खुले पड़े हुए और गंदगी भी बहुत ज्यादा ही हो रही है अंदर। अब ये लोग मानते भी नहीं, अब हम लोग क्या करें इसका। वो लोग यही है पर वो यूं बोलते हैं हम नहीं कर सकते इसका कुछ भी। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि ये ढक जाए ताकि कि बच्चों को भी डर नहीं रहे, हम लोगों को भी डर नहीं हो रहा है और साफ सफाई भी रहे। मैं यही रहता हूँ और हमारे इस पीछे प्लॉट में दो खाली कुएं हैं, भरे हुए कुएं हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई ढका हुआ नहीं है। आए दिन यहाँ मवेशी जानवर गिर जाते हैं, दो तीन बार जानवर मर भी गए थे, दो तीन बार वापस निकाला। ये पीछे पटेल समाज है, उनकी जमीन है, हमने यहाँ पे प्रशासन में कई बार शिकायत भी की, सचिव को भी बोला, सरपंच जी को भी बोला, कलेक्टर को भी बोला, लेकिन आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और बच्चे यहाँ खेलते हैं, कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है। आप देखिए ये पूरा कंप्लीट क्षेत्र बिल्डिंग बन चुकी है, यहाँ पे सब लोग यहाँ रहते हैं, एक कॉलोनी है, उसके बीच में एक कुआ है, लेकिन इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है, कभी अप्रिय घटना हो जाएगी। मैं आपके इस न्यूज चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इस कुओं को ढकाने का काम करावें। इसके लिए आपको चाहे कलेक्टर से बात करनी पड़े, चाहे प्रशासन से बात करनी पड़े, ये आप थोड़ा सा अगर आपके माध्यम से होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे घर के जस्ट पास यहाँ पे दो कुएं हैं बिना ढके हुए, हम जब खेलते हैं हमें यहाँ पे बहुत डर लगता है कि हम गिरे या नहीं गिरे, इसलिए मैं भी यही चाहती हूँ कि वो जल्दी से ढक जाए। बहुत सारे कुत्ते भी यहाँ पे गिर चुके हैं पर यहाँ पे कोई ढका ही नहीं रहा है। मेरे घर के पास एक कुआ है, दो कुएं हैं, दोनों बिना ढके हुए हैं, हम जब भी खेलते हैं हमें डर लगता है, और यहाँ बॉल चली जाती तो हम लेने जाते हैं, हमको लगता है कि हम कैसे जाए, हम गिर जाएंगे। और हमारे घर के सामने बिल्कुल कुओं बढ़िया थको है, तो वणियों के बच्चा बच्ची खेल अटे पूरा दिन, तो एक ही असो डर वणियों थको रहे हाय कोई बच्चों नहीं पड़ी जा महीने, तो जल्दी जल्दी यो कुओं टकी जाए बढ़िया बात है। अभी आसपास में सारे ही मकान बन गया, अतरा टाइम मकान नहीं है तो फिर भी चाली गयो, लेकिन अभी तो यो कुओं ढकनो चाहे। कलेक्टर तक भी शिकायत की है और अटे जनारो कुओं वणा ने भी मां बहुत बार कह चुकिया, लेकिन कोई ध्यान देवा वालो नहीं अटे, बस ढकाऊंगा ढकाऊंगा यूज बोले, हाँ अंडी कहीं कहीं करा कहीं कहीं करा यूं करी देखी देखी, सचिव ने दो चार बार बोलती तो सचिव भी ध्यान देनी, सरपंच ध्यान देनी, कोई भी ध्यान देवा वालों नहीं हटे। और माँ यूं चाह रहा कुओं जल्दी जल्दी ढक जाए तो बढ़िया बात है, ताकि माँ ने बच्चा सेफ्टी रहे, कॉलोनी में जितना भी लोग है देखो कोई अनजान भी है, जीव जंतु कतरी बार पड़ी चुकी है, बनाने भी माँ निकलवाया, तो अब कतरा टाइम तक माँ ध्यान देवानी चीज रहो जल्द। कहते हैं बेटा करता है एक कुल को रोशन, दो दो कुलों को रोशन करती है बेटियां। आज कुल को ही नहीं देश की सुरक्षा के लिए भी बेटियां बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगी है, लेकिन वह स्वयं को मजबूत कर ले उसके लिए वह जूडो कराटे सीख रही है। आज शहर की बेटियां ही नहीं गांवों की बेटियां भी आत्मरक्षा मांग रही है। देश में बढ़ती हिंसक बलात्कार की घटनाओं के बाद लोगों में जहां गुस्सा है, वहीं इन घटनाओं के शिकार होने वाली बेटियों ने भी दरिंदों से मुकाबला कर अपनी सुरक्षा खुद करने की ठान ली है। हैदराबाद की घटना के बाद बेटियों का मन उद्वेलित हो उठा है, विडंबना है कि जिससे सहायता मांगो वह भी भूखा भेड़िया निकलता है। ऐसे में खुद की रक्षा खुद करने के लिए अब बेटे ही नहीं बेटियां भी जूडो कराटे सीखकर खुद मजबूत होने के प्रयास में लगी हैं। हम आपको बता दें कि उदयपुर शहर के पास बड़गांव में विद्या भवन गांधी शिक्षा अध्ययन संस्थान में गुरुवार को बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए जूडो कराटे की ट्रेनिंग दी गई। इस आत्मरक्षा शिविर में 100 बालिकाओं ने हिस्सा लेकर उत्साह के साथ आत्मरक्षा के गुर सीखे। वहीं 56 सेकंड में आत्मरक्षा के 27 गुर एक साथ करके विश्व रिकॉर्ड के लिए प्रस्तावित किया। शिविर में कराटे डेवलपमेंट एसोसिएशन रतलाम के सचिव वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर सेंसाई बलवंत सिंह देवड़ा, प्रशिक्षु सोनम सूर्यवंशी ने स्थानीय विद्यालय व अन्य बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाते हुए कहा कि अब बेटे ही नहीं बेटियां शिखर पर पहुंचने को आतुर हैं। प्रशिक्षु सोनम सूर्यवंशी ने कहा कि आज बेटियों को झांसी की रानी बनना होगा। प्रशिक्षु सोनम ने बेटियों को पढ़ने के साथ ही आत्मरक्षा के लिए जूडो कराटे सीखने की अपील की। आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यक्रम संयोजक सोनिका राठौर द्वारा किया गया।
प्रशिक्षण गाइडेंस एंड काउंसलिंग समिति ने प्रगति नेचुरल डेवलपमेंट सोसाइटी एनजीओ के तत्वावधान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप जिला शिक्षा अधिकारी विजय सारस्वत, विशिष्ट अतिथि युवा साहित्यकार प्रेम एएस गुर्जर, शैलेन्द्र सिंह सिसोदिया, प्राचार्य डॉक्टर भगवती अहिल ने दिया। कार्यक्रम का संचालन सोनिका राठौड़, जगदीश प्रसाद आमिटा ने किया। रूपसागर तालाब पेटा काश्त जमीन में अतिक्रमण रोकने और तालाब को सुरक्षित करने के लिए क्षेत्रवासी लंबे समय से प्रयासरत हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। इसे को लेकर नागरिक संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट के बाहर क्रमिक अनशन किया गया, जिसमें क्षेत्रवासियों ने भाग लिया। इस मौके पर 3 महिलाएं व 3 पुरुष क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। समिति के पदाधिकारी ने इस मौके पर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि पिछले 9 माह से जिला प्रशासन, यूआईटी, गिरवा तहसीलदार और संबंधित अधिकारियों ने कई बार रूपसागर तालाब पेटा काश्त जमीन में अतिक्रमण को रोकने और तालाब को संरक्षित करने के लिए कहा गया, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। ऐसे में अब आंदोलन की राह पर आना पड़ा है। अगर अभी जल्द इस समस्या का निस्तारण नहीं किया गया तो भूख हड़ताल पर उतरने को मजबूर होना पड़ेगा। हम पिछले अप्रैल से, यानी अप्रैल 19 से हम लगातार सरकार को ये बताते रहे हैं कि रूपसागर तालाब जो बना हुआ है, इसका 2007 में राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा कुछ घोषित खसरा नंबर है, उन खसरा नंबरों की सीमा जानकारी करके उनके चिन्ह लगा दिए जाए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति उस जमीन में कोई प्लॉट वगैरह नहीं खरीदे और वो अपना कमाई का, जो गाड़ी कमाई का पैसा है, वो वहां नहीं लगाए। और हर 15 दिन 20 दिन में हम सरकार को लगातार चेताते रहे, याद दिलाते रहे, लेकिन सरकार ने अब तक कोई काम नहीं किया है। मैं आपको जानकारी दे दूं, बहुत छोटा सा काम है सीमा जानकारी का काम ही है, जिसको आप जानते होंगे, एक काश्तकार अपनी एक एप्लीकेशन देता है, पटवारी से मिल लेता है या गिरदावरी से मिल लेता है या तहसीलदार से मिल लेता है, तो हाथों हाथ वो दूसरे तीसरे दिन जाकर के उसका सीमांकन करा देता है, सीमा जानकारी कर देता है। इतना ही काम है। हमारा कहना था कि सीमा जानकारी करा करके उसमें सब जगह ऐसे निशान लगा दिए जाए, ताकि कोई भी आदमी आ जाए तो एट ए ग्लैंस वो देख सके कि हाँ भाई यहाँ ये तालाब की जमीन है। लेकिन सरकार ने ये काम नहीं किया, इसके कारण हमने 28 तारीख को एक लास्ट वार्निंग देते हुए और यहाँ धरने पर बैठे थे, और उस समय ये किया था, कहा था कि भाई 9 तारीख तक, यानी 9 दिसंबर तक सरकार के कोई निर्णय नहीं लिया और ये काम नहीं किया तो हम अगला स्टेप जो उठाएंगे वो क्रमिक अनशन का है। उसी क्रम में आज 12 तारीख से हम लोग सपरिवार यहाँ और क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। अभी ये चलेगा, सरकार इससे भी यदि नहीं सुनती है तो हमारा अगला जो कदम रहेगा वो ये रहेगा कि हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। आज तो हम 3 परिवार के लोग हैं जो क्रमिक अनशन पर हैं, बाकी तो सारा है ही हमारा परिवार साथ में, जो इस सारी कॉलोनी के लोग हैं वो उनमें से सदस्य आए हुए हैं, लेकिन 3-3 लोग अभी, यानी 3 महिलाएं 3 पुरुष इस क्रम में अभी क्रम अनशन पर हैं। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। झाड़ियों में छिपकर डकैती की योजना बनाते 5 अभियुक्त चढ़े पुलिस के हत्थे, डाकुओं ने कई वारदातों को किया कबूल। कम वोट देने वाली हेला गवाड़ी ने उपमहापौर का किया आतिशी स्वागत, अभिभूत होकर सिंह भी बोले, विकास से अछूता नहीं रहेगा यह क्षेत्र। डेरीगेट चौराहे को बचाने के लिए आगे आए शहर के चिंतक, शहरी सरकार को जल्द ही निस्तारण की लगाई गुहार। और स्मार्ट सिटी के काम में देरी से अश्विनी बाजार के व्यापारियों का फूटा गुस्सा, जाम लगाकर किया प्रदर्शन, जिम्मेदारों ने बमुश्किल की समझाइश। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।